दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक शहर में एक मिस्टीरियस स्टेयरकेस अपीयर होता है जिससे कि उतर कर कुछ लोग आते हैं जो कई लोगों को मारकर खा जाया करते थे। लेकिन एलिस और रोय एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसे वो लोग मारकर खाने के बजाय अपने फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते थे। अगर आप में से किसी ने भी इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा तो ये पार्ट आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए पहले आप इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख लें ताकि सेकेंड पार्ट समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। लिंक मैंने ऊपर आई बटन डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। लूक के डैड जब उसका गला काट कर वहाँ से जाते हैं तो लुइस उसे उठाकर अपने साथ लेकर चली जाती है क्योंकि उसमें अभी भी जान बाकी थी। वहीं जोई पेजेस के महल में घूम रही थी तभी वो जोसेफ और उसके बेबी को आपस में बात करते हुए सुन लेती है। वो कह रहे थे कि अगर हम लोगों ने कल सुबह तक बच्चे को उसे नहीं सौंपा तो वो हमारे ऊपर रहम नहीं करेगा। इसके बाद जोई को एक लाल रंग का दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे की तरफ जाती है। जब वो उस दरवाजे के करीब बढ़ रही थी तो उसे अपने विजन में एक शैतान दिखाई दे रहा था जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाती है। इधर शरीफ एल्डो और बोनो को अपने साथ लेकर जाता है और उसे बताता है कि मेरी बेटी ने गलती से तुम्हारे भाई को मार दिया, इसीलिए मैंने अपने फैमिली को बचाने के लिए अपने बेटे को मार दिया, हिसाब बराबर। लेकिन एल्डो जब उस गड्ढे में जाकर देखता है तो वहाँ पर सिर्फ रॉबर्ट का बॉडी पार्ट पड़ा था, मगर लुक और रॉबर्ट का सर वहाँ से गायब था। जिसके बाद वो बोने लुक का खून सूंघकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं लुइस बिना एनेस्थेसिया और किसी स्पेशल इक्विपमेंट के अपने घर के सुई धागे से लुक का गर्दन सी रही थी। दूसरी तरफ जोई जोसेफ पीच और उसकी बीबी के बातों को सुनने के बाद वो एलिस के पास जाती है और उससे कहती है कि ये लोग इजी को खाने वाले हैं। मैंने अभी उन्हें बातें करते हुए सुना। वो ये भी बताती है कि मैंने यहाँ पर एक दरवाजे के अंदर एक बहुत ही खौफनाक चीज को महसूस किया है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन एलिस वहाँ से जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, ये लोग हमारा कितना ख्याल रखते हैं। जिस पर जोई कहती है ठीक है फिर मैं वो स्टेयरकेस से नीचे जाने वाले दरवाजे को ढूंढने जा रही हूँ। दरअसल जोसेफ के एलिस के दिमाग से पागलपन वाले कीड़े को निकालने के बाद एलिस अब यहाँ से जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जोई के वहाँ से जाने के बाद एलिस को दीवार के पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है। वो जब उस पर अपना हाथ रखती है तो उस दीवार को चीर कर इजी बाहर आती है और एलिस से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे घर ले चलोगी। जिस पर एलिस उसका सर वापस दीवार के अंदर कर देती है और कहती है कि अभी तुम अंदर ही छुपी रहो। अब हम जोसेफ पीच और एक बौने के साथ एक अजीब से देखने वाले मांस के क्रिएचर को चेस खेलते हुए देखते हैं। तभी एलिस वहाँ घूमते हुए आती है तो वो जोसेफ से पूछती है कि तुम एजी के साथ क्या करने वाले हो। जोसेफ कहता है कि हम बच्चों को नहीं खाते, इसीलिए अगर वो हमें मिल गए तो हम उसे घर छोड़ देंगे। जिस पर एलिस उसे एजी के बारे में बता देती है, जिसके बाद एडी एजी को लेकर उस अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर के साथ मिलकर उसे लाल रंग के दरवाजे के अंदर लेकर जाती है। इधर एल्डो और वो बोने लुक के खून को सूंघते सूंघते लुइस के घर पहुंच गए थे। तभी सिर्फ भी वहां आता है और लुक से कहता है कि रॉबर्ट का सर मुझे अपने साथ ले जाने दो, नहीं तो वो लोग हम सबको मार देंगे। जिस पर लुइस बताती है कि हमने पहले ही उन्हें ठिकाने लगा दिया है, इसीलिए तुम्हें हमारे लिए उनके सर को काट कर अलग करना होगा ताकि वो दोबारा से जिंदा ना हो सके। वहीं जोसेफ किसी तरह का रिचुअल कर रहा था तभी वो मॉन्स्टर एलिस को लाकर लिटा देता है, जिसके बाद जोसेफ उसका सर खून में डालकर उसके मुंह के अंदर से एक सेंटीपेड को बाहर निकालता है। जोई भी वहाँ बैठकर ये सब देख रही थी क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ भी ऐसा ही किया था। लेकिन जब से उसने जोसेफ पीच और उसकी बीवी एजी को किसी को सौंपने के बारे में बात करते हुए सुना था, उसे उन पर शक होने लगा था। जोसेफ जैसे ही एलिस के मुँह से उस सेंटीपेड को निकालता है, एलिस उसे गले लगा लेता है। लेकिन जोई को ये सब देख कर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ से उठकर उस रेड डोर के पास जाती है और उसे खोलकर उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पर इजी एक सर्कल के अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। वहाँ पर उसे एक शैतान भी दिखाई देता है। लेकिन जोई इजी को वहाँ से लेकर भाग जाती है और उसे समर हाउस से बाहर ले जाने वाले दरवाजे के पास लेकर जाती है क्योंकि उसने वो दरवाजा ढूंढ लिया था। इजी जोई को भी अपने साथ आने को कहती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बहन को लेकर ही वापस आऊंगी। इसके बाद जोई अपनी बहन एलिस के पास जाती है और उसके तौर तरीके और उसकी खुशी को देखकर वो उससे कहती है कि मैं भी ठीक ऐसा ही महसूस करती थी जैसा तुम कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वो लोग हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं और वो लोग एजी को यहाँ पर किसी को खिलाने के लिए लाए थे।
जोई एलिस के सामने रो रो कर उससे वापस जाने के लिए इंसिस्ट करने लगती है। वो नहीं सुनती तो वो उसके बॉक्स से उसके सेंटीपेड को निकाल कर अपने मुंह में डाल लेती है। इधर लूक उन बोनो और एल्डो का सर काट कर बॉडी से अलग कर देता है, जिसके बाद लूक अपने डैड से पूछता है कि अब आप क्या करने का सोच रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। लूक कहता है कि अगर हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ के लोगों का क्या होगा। सिर्फ कहते हैं कि मुझे बस अपने परिवार से मतलब है, यहाँ के लोगों से नहीं। ये सुनते ही लूक अपने डैड को गोली मार देता है। वहीं एलिस पीचेस को अपना परिवार मान चुकी थी, इसीलिए वो उनके साथ बैठकर डिनर कर रही थी, लेकिन जोई समर हाउस से बचकर अकेले बाहर भाग जाती है। जोई के भागने के बारे में जब जोसेफ पीच को पता चलता है तो जोसेफ बहुत परेशान हो जाता है और फिर एक बोनी के साथ मिलकर उस लाल दरवाजे के अंदर जाता है जहां पर उन्होंने एजी को रखा था। एजी वहां पर नहीं थी, जिससे कि जोसेफ और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद जोसेफ वहां पर किसी से कहता है कि भगवान हम आपके नौकर हैं, प्लीज हमसे नाराज मत होना। तभी कोई जोसेफ के साथ वाले बोनी को खींचकर कहीं लेकर चला जाता है, जिसके बाद जोसेफ उससे कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसे वापस जरूर ले आऊंगा। फिर जोसेफ एलिस के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने किसी से वादा किया है, समर हाउस के भगवान इजी से मिलना चाहते हैं क्योंकि वो एक एंजल है, लेकिन अगर हमने उन्हें इजी से नहीं मिलवाया तो ये हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। क्या तुम अपने नए परिवार के लिए इजी को हमारे पास लेकर आओगी? एलिस जोसेफ की बात मान जाती है, जिसके बाद समर हाउस के सारे लोग सीढ़ियों से नीचे आते हैं, उनमें एलिस भी शामिल थी, और फिर वो लोग इजी को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी हम इजी को डायन के पास देखते हैं। वो उसे अपने साथ लेकर लुइस के घर पहुंचती है और उसे बताती है कि ये मुझे पार्क के पास छुपी हुई मिली। लुइस इजी को अपने साथ ले लेती है और फिर उसे साफ करने लगती है। तभी वहाँ पर जोई भी आ जाती है। जोई इजी को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। लुइस जब जोई से एलिस के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो अब उनके साथ है। जोई बताती है कि उन लोगों के पास कोई ऐसी शक्ति है जिसने उन्हें वो सब कुछ दिया है जो उनके पास है, लेकिन उन्हें इजी चाहिए। मुझे लगता है कि वो लोग इसे लेने आते ही होंगे। जिस पर लुइस कहती है कि तुम मेरी कार लेकर यहाँ से जितनी दूर हो सके इजी को उतनी दूर लेकर चली जाओ। जोई कार लेने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलती है, वहाँ पर एलिस खड़ी थी। जोई उससे कहती है कि इजी को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो वो लोग यहाँ आकर खुद ले जाएंगे। लेकिन जोई दरवाजे को बंद करके उसे बाहर ही छोड़ देती है। तभी वहाँ पर बैंक के लोन रिकवरी डिपार्टमेंट से एक आदमी आता है और एलिस से लोन भरने के बारे में पूछता है, तो एलिस उस पर हमला कर देती है और उसे मार कर खाने लगती है। तभी बाकी के पेचेस भी वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद सारे लोग लुइस के घर में बने एक 100 साल पुराने बेसमेंट के दरवाजे को खोल कर अंदर चले जाते हैं, लेकिन पेचेस भी दरवाजा तोड़ कर घर के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ जोसेफ अपने दोनों बेटों और अपने पोतों के डेड बॉडी को देख कर बहुत दुखी होता है। दरअसल जितने भी बोने थे वो रॉबर्ट के बेटे थे, जिसे एडी ने जन्म दिया था। इसके बाद जोसेफ अपने मुंह में खून से सना एक रुमाल जैसे ही डालता है, वो एक मॉन्स्टर बन जाता है और फिर उस टनल के अंदर पहुंच जाता है। जोसेफ को देखने के चक्कर में पीचेस के बाकी के फैमिली मेंबर इजी को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद जोसेफ भी उन लोगों के साथ वहां से चला जाता है। अब हम एडी को देखते हैं, वो एक मसाल जलाकर दो टावर में आग लगाती है। तभी जोसेफ इजी और अपने बच्चों के सर को लेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे लुइस जोई और लोग भी चले आ रहे थे। एलिस और जोसेफ इजी पर आटा लगाकर उसे तैयार करते हैं। इजी बेहोश एक टेबल पर पड़ी रहती है, जिसके बाद सारे पीचेस अपनी आंख बंद करते हैं। एलिस भी अपना आंख बंद कर लेती है। फिर वहाँ पर वो स्टेयरकेस के साथ एक लाल दरवाजा अपीयर होता है। तभी जोई उन लोगों के पास जाती है और एलिस से कहती है कि होश में आ जाओ एलिस, ये बच्चों को खाते हैं। तभी एक बोना जोसेफ से कहता है कि ग्रैंडपा बच्ची नहीं है। दरअसल जब जोई जोसेफ से बात कर रही थी तो सभी लोगों का ध्यान उसी की तरफ था, लेकिन इसी बीच डायन इजी को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग गई थी। एक बोना इजी को ढूंढने जाता है तो लोग उसका पीछा करके उसके ही मीट पाउंडर से उसके ही खोपड़ी को मार कर फोड़ देता है, लेकिन इसी बीच उस लाल दरवाजे के पीछे से पीचेस के भगवान बाहर आ चुके थे। पीचेस का भगवान कोई भगवान नहीं बल्कि शैतान था। पीचेस उसके पास जाता है तो वो अपना चोगा हटाकर अंधेरे की दुनिया को दिखाता है
और फिर पिचेस के सारे फैमिली मेंबर को फाड़ कर मार देता है। ये देखकर जोसेफ अपने भगवान को बहुत गंदा गाली देता है, जिसके बाद वो जोसेफ को भी ब्लास्ट कर देता है। सारे पिचेस के मरने के बाद एलिस को वहाँ उस गॉड की जगह अपनी मॉम दिखाई देती है, जो उसे अपने पास बुला रही थी। इसीलिए एलिस उसके तरफ बढ़ जाती है और उसके हाथों में अपना हाथ जैसे ही देती है, उसे एक अंधकार की दुनिया दिखाई देती है, जिसके बाद वो गॉड वापस से अपीयर होता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके वहाँ से जाते ही एलिस बेहोश हो जाती है। फिर जोई उसके पास आकर उसे होश में लाती है तो उसके हरकतें कुछ ठीक नहीं थे। अब हमें एक साल के बाद एलिस को अपनी माँ के साथ पागलखाने में दिखाया जाता है। वहीं लूक, लुइस, जोई और इजी अब वेजिटेरियन बन चुके थे। कहानी के इंड में हम इस मांस के बने पागल मॉन्स्टर को घूमते हुए देखते हैं। दोस्तों, दरअसल कई साल पहले जोसेफ पीच ने अपने फैमिली को अमर बनाने के लिए शैतान से सौदा किया था कि वो उसे छोटी बच्चियों की बलि चढ़ाएगा और इसके बदले में वो उसे समर हाउस जैसी जगह और अमर बना देगा। सो विल गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, ये मेरा सेकंड चैनल है जहां मैं आप लोगों के लिए हर नई मूवी को 15 से 16 मिनट के अंदर ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जितना प्यार आपने मेरे मेन चैनल पर दिखाया है, उतना ही प्यार मेरे इस चैनल को भी देना। वैसे दोस्तों, इस सीरीज का नाम चैनल जीरो था, जिसके एक और सीजन को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो सजेस्टेड वीडियो पर क्लिक करके उसे जरूर से देख ले, और अगर देख लिया है तो बात नेक्स्ट वाले वीडियो को जरूर से देखना। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.